मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह करीब 5:30 बजे निधन हो गया। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में परेशानी, बुखार और पेशाब में दिक्कत के कारण लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। कल शाम अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई थी। वेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक लालजी टंडन के किडनी फंक्शन में दिक्कत थी। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन किया गया था, फिर हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उनकी हालत नहीं संभली और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। 12 अप्रैल 1935 को जन्मे लालजी टंडन लखनऊ से सांसद रहे हैं। साथ ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रहने वाले टंडन बीजेपी सरकार में कई बार मंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी लालजी टंडन ने वाजपेयी जी के चुनाव क्षेत्र लखनऊ की कमान संभाली थी। 21 अगस्त 2018 को उन्हें पहली बार बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। फिर 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके बेटे ने जानकारी दी है, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि बाबूजी नहीं रहे, ये लिखा उन्होंने। साथ ही पूरा कार्यक्रम भी बताया है कि आज ही अंतिम दर्शन के लिए दोपहर 12 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन जो बेहद सक्रिय नेता रहे हैं, साथ ही राज्यपाल के तौर पर वो बिहार के बाद मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 12 बजे अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह लखनऊ में रखी जाएगी। और अब श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर राज्यपाल टंडन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ, श्रद्धांजलि दी है राज्यपाल लालजी टंडन को। लंबे समय से बीमार चल रहे थे राज्यपाल लालजी टंडन, दोपहर 12 बजे अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सांस लेने में तकलीफ और बुखार की शिकायत पर 11 जून को मेदांता में भर्ती हुए थे राज्यपाल लालजी टंडन। लगातार तबीयत उनकी बिगड़ती गई, लोगों ने हालचाल भी उनका जाना। बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें देखने भी गए और लगातार फोन पर हालचाल जानते रहे थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन, 40 दिन बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था और सांस लेने में दिक्कत के चलते किडनी फंक्शन में दिक्कत आ रही थी। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस दी है। लालजी टंडन 12 साल की उम्र से ही संघ की शाखाओं में जाया करते थे। संघ से जुड़ाव के चलते ही उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ की सीट छोड़ी तो बतौर विरासत लालजी टंडन को ये सीट सौंपी गई थी। 2009 में लालजी टंडन ने लोकसभा का चुनाव जीता और लखनऊ के सांसद बने। राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो लालजी टंडन का राजनीतिक सफर 1960 से शुरू हुआ। दो बार पार्षद रहे, दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे, इसके बाद लगातार 3 बार विधायक भी रहे। लालजी टंडन कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा और इस सूबे के जाने माने
जनप्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल लालजी टंडन ने अमिट छाप छोड़ी है पूरे देश में अपनी राजनीति से और अपनी कार्यशैली से भी। बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला और मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में वो थे। उनकी तबियत खराब होने के बाद हालत में सुधार न होता देख पिछले दिनों केंद्र सरकार ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। लालजी टंडन 10 दिनों की छुट्टी पर जून के महीने में गए हुए थे, जहां उनकी तबियत खराब हो गई थी। मध्य प्रदेश में नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार उनका हाल जानते रहे बीच बीच में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अब नहीं रहे हैं। 1935 में उनका जन्म हुआ। लखनऊ के पूर्व सांसद रहे हैं। लालजी टंडन को जून के शुरुआती दिनों में पेशाब में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत और हल्के बुखार के बाद मेदांता अस्पताल में 11 जून को भर्ती कराया गया था। उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया था लेकिन निगेटिव पाया गया, जबकि 14 जून को उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया था। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि जांच के दौरान राज्यपाल के लीवर में दिक्कत पाए जाने पर सिटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया था। प्रोसीजर के बाद पेट में रक्त स्राव बढ़ा, जिसके बाद उनका ऑपरेशन करना पड़ा था। ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया, जिसके बाद से वो लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनकी हालत कल देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में क्रिटिकल बताई गई थी और आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली है। अपनी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश और राजनीतिक क्षेत्र भी लखनऊ, जहां अंतिम सांस ली है राज्यपाल लालजी टंडन ने। सुधीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, अब श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राज्यपाल लालजी टंडन, जो उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां से अपनी पहचान पूरे देश भर में उन्होंने बनाई। मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहते हुए कितनी अमिट यादें हैं उनकी? देखिए, निश्चित तौर पर, और जिस दौर में उन्होंने राज्यपाल का पद मध्य प्रदेश के अंदर संभाला था, खासकर अगर बात किया तो आखिरी वक्त पर मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिली थी राजनीति में, और उस समय एक संवैधानिक फैसले जो राज्यपाल के अधिकार के होते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए, ये भली भांति लालजी टंडन ने बताया। और मध्य प्रदेश के अंदर अंतिम समय तक वो कहीं ना कहीं सभी बिल्कुल नजर आए। 9 जून को लखनऊ के लिए 10 दिन की छुट्टी पर रवाना हुए थे लालजी टंडन, और उसके बाद उनकी सेहत में अगले दिन ही गिरावट देखने को मिली थी। पर कटनी में जो संक्रमण था वो बढ़ने के कारण उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती 11 जून को कराया गया था, और तब से लगातार उसकी सेहत में गिरावट हुआ है वो देखने को मिली थी। अगर बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो खासकर 2014 में लोकसभा चुनाव में बात करें तो सांसद लालजी टंडन रहे, उसके पहले केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीतिक एक विरासत थी, उसको कहीं ना कहीं संभालने का काम लालजी टंडन ने किया था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ा करते थे, तो उनके चुनावी प्रबंधन की कमान लालजी टंडन के पास रहती थी। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव था, उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक, मंत्री, देश में सांसद और केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद में राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे लालजी टंडन, और लगभग 1 साल तक, 11 महीने तक बिहार के राज्यपाल रहे। और 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल उनको बनाया गया था, सबसे शक्तिशाली लगातार देखने को मिली थी। जिस समय पूरे देश भर में स्थितियां लगभग बंद पड़ी हुई थी, कहना होगा कि कोरोना संक्रमण के चलते लोग जब अपने घरों में थे, लॉकडाउन की शुरुआत से के बाद में जब गतिविधियों को थोड़ा सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दी गई थी, उस समय तक राजभवन में सक्रियता लालजी टंडन की देखी गई। कैसे इस महामारी के दौर में प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियां आगे चले, हमेशा इस बात की चिंता उन्होंने की, और कुलपतियों के साथ बैठक हो, वेबिनार हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुलपतियों से संवाद हो, किस तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा रही है, चिंता हमेशा उनके जहन में रहती थी। और लिहाजा अगर बात करें तो 9 जून को लखनऊ जाने से पहले भी लगभग इसी तरीके की बैठकें उनके द्वारा ली गई थी। अगर बात की जाए तो सेहत में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और बीच में कुछ सेहत में जब सुधार हुआ था, जब उनके मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाते थे, तो उसमें लगा था कि शायद जल्दी उनकी भोपाल वापस सकती है, पर
जिस तरीके से तबीयत उनकी खराब हुई उसके बाद में आज सुबह ये सूचना निकल कर आई कि राज्यपाल लालजी टंडन अब इस दुनिया में नहीं है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति को कहा जा सकता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी और जो उस विचारधारा से जुड़े लोग हैं उनके लिए अपूर्णीय क्षति, क्योंकि देश के अंदर खासकर उत्तर भारत में और जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देखने को मिलता है उसमें लालजी टंडन की एक बड़ी भूमिका है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी कभी चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, आज अगर वो सत्ता के शीर्ष पर है और लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में अगर सफल हुई है तो ये इसका एक बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं लालजी टंडन जैसे उन राजनेताओं को जाता है जिन्होंने इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। निश्चित तौर पर उनके अनुयायी, उनके जो समर्थक या फिर उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी क्षति इसको कहा जा सकता है, और मध्यप्रदेश के लिहाज से भी एक बड़ी क्षति। एक कुशल प्रशासक वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे हैं, आज सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है लखनऊ के मेदांत अस्पताल में, और देश भर से जो है उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अब लगातार जारी है। सुधीर बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर भी उनकी बेहद अहम भूमिका थी। पिछले दिनों जब सियासी उठापटक मध्य प्रदेश में चल रही थी तो राज्यपाल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी, जहां बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने संविधान के अनुरूप अपने तल्ख लहजे में भी ये साफ कर दिया था कि जो संविधान कहता है उसके अनुसार काम किया जाएगा। इसलिए राज्यपाल लालजी टंडन पिछले दिनों की सियासी उठापटक में निष्पक्ष भूमिका के लिए भी जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा, अपने जन्मस्थली लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नाकोरा टीएमटी, विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित नाकोरा टीएमटी आमंत्रण ब्यूटी क्लिनिक फॉर मेंस एंड वुमेन्स, जो बनाए आपको और भी खूबसूरत। ऑल न्यू होंडा सिटी, द रश ऑफ सुप्रीमेसी, धान की खरपतवार नियंत्रण के लिए क्रिस्टल का पोनेक्सो, पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं, विमल बोलो जुबा केसरी गोयल टीएमटी आपके घर को दे लंबी उम्र, और सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पेट स्कैन के लिए संपर्क करें। Alexa, ask Honda to turn on the AC. लोग कहते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद सिर्फ तन्हाई मिलती है, सच तो ये है कि ऊंचाइयों से जो नजारा मिलता है उसका मजा ही कुछ और है। The all new Honda City. Enjoy the rush of supremacy. खाना इन अ पैकेट, सेफ्टी का जैकेट, खाना इन अ पैकेट। आज इंडिया अपना सारा खाना साफ पैकेट में खरीदता है, लेकिन दूध अभी खुला, खुले दूध में मिलावट, धूल मिट्टी के साथ बीमार पड़ने का भी चांस होता है, इसीलिए क्वालिटी टेस्टेड साफ सुरक्षित पैकेट वाला अमूल दूध पीता है इंडिया। जब हो जुबा पे केसर और जोश दिलों में तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबा केसरी। हमको चारे की दवाई दो। ऐसी वैसी चारे की दवाई मत लो, पिक द नरकिस। नरकिस ही क्यों? धान में हा? मोथा सकड़ी और चौड़े पत्ती वाली खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए अदामा कंपनी की नरकिस। खरपतवार की 2-4 पत्ती दिखे तो नरकिस का प्रयोग करो और बहुत दिनों तक खरपतवार के झमेले से छुट्टी पाओ। पिक द नरकिस। मंजिले हो चाहे जितने पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। माननीय श्रीमती अंबिका सिंह देव दीदी को संसदीय सचिव बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, राजीव गुप्ता, अर्पित गुप्ता, वैभव सिंह, बैकुंठपुर। हो
नाचे भुइया अमराई मासुआ दरिया कहीं खेल तो कहीं चिठोली आगे है तिहार हरेली आगे है तिहार हरेली आगे है तिहार हरेली रीम कटारा द्वार लगाबो खलिहान मां मंगल गाबो केड़ी चढ़बो बोझ बनागत गाय गरू ले चलते चांदर चलत है गाड़ी तिहार माने के करो तैयारी भोजन भी बड़ा सुहारी गोधन न्याय योजना के हरेली ले शुरुआत गोबर बिकही सोनहा बनहे सो घर वर में खान रोजगार पाहे योजना मा सब बहती अखियान नहीं घूमे अब एती ओती पशुधन बर गौठान हरेली तिहार में छुट्टी मिल गए पुरखा के मान बढ़ गए धन्य धन्य है बुके संचार महतारे के शान बढ़ गए। जय जोहार। हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमर सरकार के फैसला गांधी जी के ग्राम सुराज के सपना ला साकार करने वाला है। हमन हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत करा था। देश में ये पहला योजना है कि सरकार गोबर खरीदिया है। ये गोबरे भर नहीं खरीदा बल्कि गांव के अर्थव्यवस्था सुधारना है और में आप सबके योगदान आपके सबके भागीदारी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय जोहार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है सुबह 11